गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं हूँ अपनी ननंद के घर पे। उनके वहाँ फंक्शन था गोद भराई का, तो वहाँ की मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं आपके लिए। तो मॉर्निंग में ही पहुँच गए थे हम, तो घर से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई जल्दबाजी में। 9 बजे तो मॉर्निंग में हम लोग उनके घर 9 साढ़े 9 बजे लगभग हम पहुँच गए थे। तो घर पर मैं कुछ ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई, मतलब फटाफट से बस रेडी होकर निकल गए। तो बस ये आ गए हम उनके घर पे, और देखिए ये है बालकनी एरिया, ये जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मेरी मान्या को। मुझे भी काफ़ी पसंद आता है इस तरीके का बालकनी एरिया, हमारे यहाँ नहीं पे है। तो देखिए डेकोरेशन वगैरह हो गया गोद भराई का, हम आए थे तभी चल रहा था डेकोरेशन, तो डेकोरेशन वगैरह हो गया और ये सब यहाँ पर भजन वगैरह के लिए चालू मतलब आ गए हैं। तो उनका टीका वगैरह ढोलक का किया जा रहा है, तो ये ननंद है जो टीका कर रही है, वो ननंद है मेरी, तो टीका वगैरह कर रही हैं। जो लेडीज़ वगैरह आई हैं, इनकी फ्रेंड्स हैं सारी, और यहीं बिल्डिंग में ही रहते हैं सारे, तो इनका मतलब एक ग्रुप टाइप ही है, ये लोग करते हैं इस तरीके से प्रोग्राम करते रहते हैं। तो बस उन गोद भराई की रस्म थी, तो पहले भजन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मुहूर्त में अभी टाइम था थोड़ा, तो इन लोगों ने यही प्लान किया था कि पहले थोड़ा भजन वगैरह हो जाएगा, उसके बाद गोद भराई की रस्म कर लेंगे ताकि सबका मन लगा रहेगा। तो यहाँ पर टीके से शुरुआत कर रहे हैं, ढोलक का टीका वगैरह किया है, लेडीज़ जो भी हैं उनका भी टीका वगैरह कर रही हैं ननंद, और किचन में खाना वगैरह बन रहा है सबके लिए। तो पहले भजन वगैरह करेंगे उसके बाद। तो यहाँ पर भजन वगैरह स्टार्ट हो गया था, काफ़ी इन्जॉय किया सब ने। ये सब इनकी ही बिल्डिंग में ही रहने वाले सब इनके फ्रेंड हैं ननंद की मेरी, तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं ये लोग। यहाँ पर भी काफ़ी इन्होंने अच्छे अच्छे भजन गाए थे और काफ़ी इन्जॉय किया सब ने। जो भी इनके फ्रेंड्स हैं वो आते जा रहे थे, और फैमिली में भी जो रिलेशन में हैं वो लोग भी धीरे थोड़े थोड़े आते जा रहे थे। प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था लगभग 10:30 का ऐसा कुछ टाइम दिया था, तो उसके हिसाब से ही आ रहे थे सब, आसपास में रह रहे थे वो लोग, जल्दी आ गए थे। सबसे पहले तो मैं ही पहुँची थी। अब देखिए यहाँ पर खींच रहे हैं कुछ फ़ोटोज़ मेमोरी के लिए, यही यादें रह जाती हैं, तो बस कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर बस मुहूर्त होने वाला ही था, तो मुहूर्त जो भी रस्में हैं वो की जाएंगी।
पर यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे करना है क्या नहीं करना है, तो वो भी कंफ्यूज हो रही थी कि कोई क्या बोल रहा है। सब अपनी अपनी राय देते, अपने हिसाब से बोलते कि ऐसे कर लेते वैसे कर लेते वैसे कर लेते, तो वो थोड़ा कंफ्यूज थी। उसके बाद फाइनली कैसा करना है वो डिसाइड हो गया कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो बस थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह बैठ के खींच ली, खड़े खड़े रह के काफ़ी फ़ोटो खींचे थे, उसके बाद बैठ के भी इन लोगों ने काफ़ी सब अलग अलग पोज दे के फ़ोटो खींच लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई थी, रस्म स्टार्ट हो चुकी थी और लेकिन इतनी भीड़ हो गई थी कि मैं तो साइड में ही थी और रस्में स्टार्ट हुई थी, तो फिर इतनी भीड़ थी कि मैंने तो फिर मान्या को ही बोला कि तुम ही रिकॉर्ड कर लो। इतनी भीड़ में ऐसे धक्का मुक्की लगता है, कैसे अच्छे से रिकॉर्ड कर पाओ। बोला भी था कि आप लोग बैठ जाओ, बैठ के रिकॉर्ड कर लो थोड़ा दूर से, पर कोई सुन ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने मान्या को ही बोला, तो उसने काफ़ी अच्छे से ट्राई किया है रिकॉर्ड करने का। अगर सब लोग बैठ के या फिर साइड से करें तो सबको अच्छे से रिकॉर्ड करने मिलता है, लेकिन नहीं सुनता है कोई। तो बस देखिए जो मान्या रिकॉर्ड कर सकी। हम लोग इधर साइड पे बैठे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ पर सब खड़े हो गए, तो अगर सभी इस तरीके से साइड पे बैठते तो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो पाता। पर कोई नहीं, जो भी हुआ है वो काफ़ी अच्छा ट्राई किया मान्या ने, बहुत कोशिश की अच्छे से रिकॉर्ड करने की जितना वो कर सकी। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने थोड़ा क्रॉप करके कर लिया है, तो ये रस्में हो रही हैं जो भी हैं। रस्में वगैरह हो गई थी, उसके बाद सब आ गए हैं नीचे, देख सकते हैं आप सब लोग नीचे आ गए, बिल्डिंग के नीचे मेन रोड पर ही आए हैं, बस बिल्डिंग रोड पर ही है। तो अब यहाँ पर भाई को जो भी गोद भराई में रखा जाता है पल्लू में, वो सब भाई लेगा, भाई को दिया जाता है और वो फिर इसको लेके जाएगा। गोद भराई करने के बाद, रस्म करने के बाद फिर नहीं रुक सकते हैं, तुरंत निकलना पड़ता है। तो बस इसलिए फ़ोटो वगैरह भी पहले ही ले लिए थे सब। तो अब वो बैठेंगे जाके गाड़ी में, और यहाँ पर थोड़ा बहुत नाच गाना वगैरह हो जाएगा, विदाई के विदाई है तो बस।
वीडियो को करती हूँ यहीं पर मैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।